वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। आज हम हैं माशाल्लाह गोट फार्म पर और माशाल्लाह बहुत ही नायाब चीज़ आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं मैं। और ये जो बकरा देख रहे हैं आप सामने, ये अनमोल का डायरेक्ट बेटा है जिसका नाम जूनियर अनमोल रखा गया। देखिए, सन ऑफ अनमोल। तो जूनियर अनमोल आज हो गया ये कलेक्शन इकबाल भाई के पास, यानी इकबाल भाई ये ले चुके हैं और बहुत ही शानदार इसका यानी इस्तकबाल भी हुआ। काफ़ी सारे शौकीन यहाँ पर आए हुए हैं और ये वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि डे टाइम था और काफ़ी सारे लोग जो सेल के लिए माल अवेलेबल था, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ उनका अपडेट बतलाने के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी का अगर वीडियो हो रहा नहीं शूट तो आप लोग नाराज़ मत होइए, जितना हो सकता मैं उतना करूँगा कोशिश, क्योंकि मैं ना अदर स्टेट गया हैदराबाद छोड़कर, न कहीं बाहर हूँ। इंशाल्लाह काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, वो सब मैं बतलाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ के ओनर से भी हम बात कर लेंगे। मैं इकबाल भाई के पास पर्सनली विजिट करके मुबारकबाद भी दिया और भाई के पास सेलिब्रेशन भी हुआ 200K सब्सक्राइबर्स का, वो शॉट भी मैं आप लोगों को बतला चुका, इंस्टाग्राम पर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर। फिर से इकबाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारक आपको जो आपके पास नया एक ब्रीडर आ गया डायरेक्ट अनमोल का बेटा। जी भाई शुक्रिया बहुत बहुत। क्या डिटेल है इसकी? उमर भाई डिटेल इसकी 20 लंबा ने, 8 इंच चकला ने। ओके, और एज क्या है इसकी? इसकी एज 8 साल का है उमर भाई। 8 साल का है जी। माशाल्लाह, और अभी ब्रीडिंग के काबिल ही है? काबिल है, देखे ना अभी शॉर्ट वीडियो में, बहुत गर्म बच्चा है। बल्कि लाइव देखा मैं तो सामने से, बहुत गर्म है, बहुत गर्म जी। और 8 साल आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लोग समझते हैं सिर्फ 8 दांत लग गए तो बकरा बूढ़ा हो जाता, ऐसे नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक बकरों की एज रहती। तो आज यहाँ पर कौन कौन आए हुए हैं इसमें? देखिए आप अकबर भाई है जी, चैनपट्टी अकबर भाई है, अकबर भाई है जिसके घर पे अनमोल था बकरा। ये क्या है, तो ओरिजिनल अनमोल की वीडियो भी अकरम डेयरी फार्म पर अपलोड करी हुई है चैनपट्टी अकबर भाई के साथ। और ये बच्चा क्या है, तो रहमान भाई के घर पे हुआ सो है उमर भाई जी। और रहमान भाई तो नहीं आए, इनविटेशन दिए हुए थे, उन्होंने कुछ काम में थे बोल के बेचारे नहीं आ सके जी। और इसमें अयूब भाई है, जुनेद भाई है, वसीम हैदराबादी है, हमारे बस्ती के दोस्त मोहम्मद अली भाई है जी, और आपके हबीब उमर भाई भी इसके अंदर है, जोगी पेट के हुसैन भाई है जी। तकरीबन शौकीन आए आपके फर्जन भी है जी, सैयद अब्बास है जी, और आप खुद भी है माशाल्लाह। मैं भी हूँ, और आपके सोहेल भाई यूट्यूब चैनल वाले जी, सोहेल भाई खुद एक अपने वीडियो से शूट कर रहे हैं अपने चैनल के लिए जी। और ये आपके फोन से शूट हुआ, काफी प्यारा और काफी खूबसूरत वीडियो मैं मिस कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद काफी प्यारी एक डिटेल वीडियो भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए कलेक्शन बतला रहा हूँ। और इसमें देखिए आगे, यानी आप लोग देखेंगे कौन कौन यहाँ पर आए इंट्रोडक्शन के साथ में। क्या है कान का साइज बोले थे आप इसके? 20 इंच लंबा ने उमर भाई, 8 इंच चकला ने। और ये जेन्यून है? जेन्यून है, कोई भी आके मेजरमेंट कर सकते? कर सकते अपन। और एज ए ब्रीडर आप इसको यूज कर रहे हैं? यूज करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो यही ब्रीडर रहेंगे अपने घर। क्या इरादा है, यानी इन फ्यूचर आप लोगों को भी ब्रीडिंग करवाएंगे? नहीं नहीं उमर भाई, ये तो सिर्फ मेरे शौक के वास्ते ही लाया हूं मैं, कोई बकरियों के वास्ते अपन कोई बकरी को छोड़ेंगे भी नहीं। सिर्फ आपके खुद के बकरियां? मेरे घर के खुद के ही बकरियां रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो आने वाले फ्यूचर में इससे जो गाबन बकरियां रहेंगे अपन सेल करेंगे, अगर इंशाल्लाह ताला अपने घने बच्चे अगर आए भी तो इंशाल्लाह रख के अपन देख के सेल करेंगे जी, अल्लाह चाहे। इकबाल भाई आपके पास एक घर का पला हुआ यानी होम ब्रीड एक गुलाबी बच्चा भी है जी, अल्यूम नाम है उमर, अल्यूम नाम है उसका, और इसी वीडियो में आगे बतलाएंगे भी हम, और उसको आप इस साल इंशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान भी करने वाले हैं। अल्लाह ताला सभी को ऐसी हिदायत दे। घर पे पला हुआ प्योर क्वालिटी का हैदराबादी, ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ आप नियत कर लिए थे तो इस वजह से आगे बतलाना है। वो तो नियत करे तो नियत पूरी आप करना ज़रूरी है, नियत हो बिल्कुल इंशाल्लाह। अयूब भाई वैसे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं सबका, तो आगे डिटेल इसमें भी देख लेंगे जो आवाज़ आ रही बैकग्राउंड से। कामाडीपुरा पीएस के सामने भाई की डायरी है और अच्छे लाइन की है भाई का भी, और एक महमूद मुंशी का डायरेक्ट बेटा भी है भाई के पास पूरा गुलाबी। और नेक्स्ट में अब्बास भाई है जो कि इकबाल भाई के फर्जन है, इन्हें ही देखते करते हैं की, और इकबाल भाई के पास और एक भी है जो कि इनके वो भी शो करेंगे इंशाल्लाह, वो भी शो करेंगे। और नेक्स्ट में सबकी शाम हैदराबाद की शाम निज़ाम गोट फार्म जुनेद भाई से नाम से मशहूर है, और हमारे नेक्स्ट में हबीब उमर साहब बरगस
क्योंकि अच्छे लेंगे और माशाल्लाह कोई भी देख ले सकता है। बाहर बने वाला था, सब कुछ शौक कराते था, खाली देखने का। और मेरा नाम अयूब है, जो कि छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। भाई जी गुलकोशी में और भाई दूसरे भी है जो कि अखबार में बताएंगे। सर भाई वीडियो का मकसद ये है कि भाई एक ग्रेडर लिए सबसे बताने के आपसे बहुत बहुत हमारे पाल भाई की मोहब्बत है जो तीनों को बुलाए आज। सही के शौक़ है जो आदमी अपना शौक करते हैं। इकबाल भाई के घर का एक बच्चा है जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुछ मतलब से नियत करे थे कि वो बच्चा बहुत अच्छी ब्रीड लाइन से है, लेकिन भाई कुर्बानी की नियत करे थे, कुर्बान कर रहे हैं, उस वजह से ये ब्रीडर लिए। तो वो बकरा भी बताएंगे, शो करेंगे आप लाइन पर जाऊँगा। देखिए माशाल्लाह ये अय्यूम के नाम से बकरा जो माशाल्लाह इकबाल भाई बहुत बचपन से पाले ना। इकबाल भाई पैदा हुआ सो है भाई नियत करे थे इस बार कुर्बानी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस बार कुर्बानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं इसको। कोई गुलाबी माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छी लाइनों से है और अच्छे बच्चे भी बनाया ना इकबाल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए। लेकिन भाई की नियत की तो इंशाल्लाह ये ईद उल जुहा पे आपके कुर्बान होगा अल्लाह की राह में। तो इकबाल भाई बोलिए जी। कहते सुल्तान जो बकरा था उसी का रिजल्ट है मेरे घर पर, इसकी दास का ये बच्चा ही सही अय्यूम नाम है इसका। और रिजल्ट भी आया थे बस ईद के दूसरे दिन कुर्बानी हो जाएंगी सरकार के नाम वाली को कबूल फरमाए भाई। हां बेटा ये चीज है कुर्बानी इस तरह की होती है सही है। गुलाब वाले से जानवर की कुर्बानी अव्वल है, बहुत मोहब्बत ही है बहुत लाल करता है। इंशाल्लाह वो ब्रीडर जाएगा इंशाल्लाह आगे का इंशाल्लाह ये सवाल है इंशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे भाई। हां ऊपर जा रहे बड़े भाई कलर की दिख रही है कुछ इकबाल में थोड़ा खड़ा ना, एक फोटो ले लेंगे दो बकरों में। इधर देखिए कान छोड़े एक लाइट कान खोल दो बकरों माशाल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह इस तरह में और भी काफ़ी सारे अपडेट्स बतलाऊंगा आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, इसी तरह बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।